बड़े सेल्फिश लोग हो यार आप। अंग्रेजी सीखना तो चाहते हैं लेकिन अंग्रेजी को कभी सब्जेक्ट नहीं मानते। क्या कभी आपने अंग्रेजी को उस तरीके से सीखा है जिस तरीके से आप मैथ सीखते हो, फिजिक्स सीखते हो और बाकी चीजें सीखते हो? नहीं, आपने एक मजबूरी बना के रखा है अंग्रेजी को और फिर आप बोलते हो सर इंग्लिश नहीं आती और आप बताइए कि इंग्लिश कैसे सीखे। गाइस पहले इस सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट देना सीखिए और इसको मजबूरी मत बनाइए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो मैं नहीं कोई भी आपको अंग्रेजी नहीं सिखा पाएगा। सो प्लीज इंग्लिश से थोड़ी सी मोहब्बत कीजिए, लव इंग्लिश एंड ट्राई टू लर्न इट विद योर हार्ट, डोंट मेक इट योर कंपल्सन। अब जैसे कि अब मैं इस वीडियो, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दी होगी वीडियो अब तक राइट, लेकिन अब फिर से वही बात, जब आप वीडियो लास्ट तक देख नहीं पा रहे हो हाउ वुड यू लर्न इंग्लिश। बात यही होती है कंटिन्यूटी इस वीडियो में लास्ट तक बना के रखने, क्योंकि इस वीडियो में हम एक प्रेपोजिशन सीखेंगे एंड दैट इज कॉल्ड ओवर। क्या? रिपीट करिए, ओवर ओवर ओवर। किस तरीके से इस प्रेपोजिशन का यूज किया जाए? ओ वी ई आर, ओवर ओवर। तो इस प्रेपोजिशन को हमें आज सीखना है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि विद का यूज कैसे किया जाए, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है तो उसको भी जाके देखिएगा। बट प्लीज इंग्लिश को जब तक आप दिल से नहीं सीखोगे ये आपको नहीं आएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अब स्टार्ट करते हैं क्योंकि इट्स 11:30, इट्स गोइंग टू बी 11:30 और मुझे सोना भी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों क्या मुझे इतना भी बताना पड़ेगा कि वीडियो को देखने के बाद आपको अप्रिशिएट करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है? अगर ये भी मैं बताऊंगा, मैं आधी रात को वीडियो भी आपके लिए बनाऊं, तो फिर आपने मेरे लिए क्या किया? यस डेफिनेटली यू हैव टू डू समथिंग एंड दैट इज़ ओनली अ लिटिल। आपको कमेंट करना है और बस लाइक करना है वीडियो को अगर अच्छी लगे तो। तो देखिए हाउ टू यूज़ ओवर, सिर्फ चार यूजेस हैं, मैं ज़्यादा आपको नहीं पकाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और यूजेस को हो सके तो नोट डाउन कर ले नोटबुक में। पहला यूज़ है अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू द अदर स्पेशली बाय गोइंग अप एंड देन डाउन। एक तरफ से किसी दूसरी तरफ जाना लेकिन स्पेशली ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब कूदना ऊपर से नीचे की तरफ, गोइंग अप एंड देन डाउन। एग्जाम्पल देखिए आप, शी जम्प्ड ओवर द गेट, वो गेट के ऊपर से कूद गई राइट, शी जम्प्ड ओवर द गेट, ऊपर से नीचे। शी इज ऑलवेज चैटिंग विद हर नेबर ओवर द गार्डन फेंस, गार्डन के ऊपर जो है, गार्डन फेंस जो है जिसे हम फेंसिंग बोलते हैं, वो उसके ऊपर चैटिंग करती रहती है। शी इज ऑलवेज चैटिंग विद हर नेबर, कुछ तो होगा भाई। चलिए थर्ड एग्जाम्पल, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर यू कुड सी फॉर माइल्स ओवर द सिटी, टावर के टॉप से आप सिटी के दूर दूर तक देख सकते हो। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर यू कुड सी फॉर माइल्स ओवर द सिटी, सिटी के ऊपर देख सकते हो, सिटी को दूर तक देख सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बिग ट्री फेल ओवर द रोड, जो एक बहुत ही बड़ा ट्री था वो रोड पर गिर गया था, द बिग ट्री फेल ओवर द रोड। तो दोस्तों ये देखिए, आपने देखा होगा किसी भी किसी चीज का ऊपर से नीचे की तरफ होना, तो उसको उस टाइम पे कौन सी प्रेपोजिशन लगाएं, तो वो प्रेपोजिशन लगेगी ओवर। अगला यूज, यूज्ड कब यूज होता है? अबव और हायर देन समथिंग, किसी के ऊपर होना या फिर किसी से लंबा होना। समटाइम्स सो दैट वन थिंग कवर्स द अदर, एक चीज दूसरी चीज को जब कवर करती है ऊपर से या किसी चीज से ज्यादा बड़ी होती है तो वहां ओवर का यूज होता है, जैसे कि अब कवर करना। द साइन ओवर द डोर सेड एग्जिट, जो साइन है ना डोर के ऊपर, जो डोर को जिस चीज ने कवर कर रखी है, किसने? साइन ने, तो ओवर द डोर, तो उस पर लिखा है एग्जिट। शी हेल्ड द अम्ब्रेला ओवर बोथ ऑफ अस, उसने अम्ब्रेला हम दोनों के ऊपर लगा दिया, मतलब हम दोनों को कवर कर दिया अम्ब्रेला से। आई पुट माई हैंड्स ओवर माई आईज या फिर ईयर्स बिकॉज आई कुडंट बियर टू वॉच या लिसन, मैंने हाथ अपने कानों के ऊपर रख लिया, यानी कि मैंने कवर कर लिया, कवर। हाँ एक सिंपल सा तरीका है, अगर आपको किसी चीज़ को कवर करना तो ओवर लगाइए। मैंने कानों को कवर कर लिया ताकि मैं क्योंकि मैं इसको सह नहीं पा रही थी देखने को या फिर सुनने को। नेक्स्ट यूज टू इंडिकेट मोर देन एन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अमाउंट, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा नंबर
और अमाउंट की बात हो तो ओवर आएगा। एग्जाम्पल, दिस अमाउंट इज ओवर आर प्रेडिक्शन, ये तो हमारी प्रेडिक्शन से ज़्यादा निकला यार, ओवर आर प्रेडिक्शन। तो आपने एक्सपेक्ट किया था 10 रुपये और चीज़ निकली 100 रुपये की, तो आप बोलेंगे यार ये तो उससे भी ज़्यादा निकला, ओवर आर प्रेडिक्शन। किड्स 12 एंड ओवर कैन वॉच दिस मूवी, किड्स 12 एंड ओवर कैन वॉच दिस मूवी, बच्चे 12 साल के या फिर 12 से ज़्यादा के इस मूवी को देख सकते हो। यस, इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट ग्रैंड मस्ती। द फोन रैंग फॉर ओवर अ मिनट, एक मिनट तक बचा, एक मिनट तक बजा भैया फोन। द फोन रैंग फॉर ओवर अ मिनट, एक मिनट के ऊपर तक बजा फोन। सो ये यूज तीसरा यूज है, और जो लास्ट यूज है वो है यूज टू इंडिकेट अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम को मैंशन करने के लिए हम ओवर का यूज करते हैं। आई वर्क देयर ओवर अ ईयर, मैंने एक साल से ऊपर काम किया है भैया वहाँ पर। आई वर्क देयर ओवर अ ईयर, आई हैव बीन वर्किंग एट अमेरिकन ओवर 5 ईयर्स, 5 साल से ज़्यादा से काम कर, 5 साल के ऊपर से काम कर रहा हूँ मैं अमेरिकन पर। शी डिडंट गो देयर ओवर द पास्ट मंथ, भैया पिछले महीने तो वो वहाँ गई ही नहीं। शी डिडंट गो देयर ओवर द पास्ट मंथ, तो ऐसे यूज होता है ओवर का। दोस्तों उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी वीडियो, जो बुरा लगा वो नीचे बताएं, जो अच्छा लगा वो भी नीचे बताएं। आपने इतना टाइम दिया इसके लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट एवरीबॉडी।